ऐसा व्यक्ति जो बचपन से अखबार बांटने जाता था, जिसके पूरे परिवार ने अपना पैसा और धंधा खो दिया, वो व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बना और मिसाइल से लेकर सैटेलाइट तक लॉन्च किए। ये हैं द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1831 में रामेश्वरम में एक तमिल मुस्लिम फैमिली में हुआ था। पेशे से उनके पिताजी जैनुल आबिदीन एक नाव चलाने वाले थे जो हिंदू तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम की सैर कराते थे, और उनकी माँ आयशा अम्मा एक हाउसवाइफ थी। वैसे तो उसका घर छोटा था लेकिन परिवार बड़ा था। घर में चार भाई और एक बहन थी जिनमें से अब्दुल कलाम जी सबसे छोटे थे। अब जब परिवार बड़ा था तो पैसे की समस्या होती रहती थी, इसलिए घर की जमा पूंजी में भाग देने के लिए अब्दुल कलाम ने केवल 10 साल की उम्र में अखबार बेचना शुरू कर दिया। लेकिन क्या यह एक ही रीजन था इस काम को करने का? वेल नहीं, उन्होंने भी इस काम को सोच समझ कर चुना था। बचपन से ही कलाम जी को नॉलेज गेन करने की बहुत भूख थी, इसलिए वह कोई भी अखबार बेचने से पहले वह उस अखबार को पूरी तरह से पढ़ लेते थे। पर यह नॉलेज ढूंढने का ये रास्ता हमेशा से आसान नहीं था। एक गरीब मुस्लिम होने की वजह से उन्हें हमेशा से कई डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा। उनमें से एक डिफिकल्टीज थी तो उनकी बचपन की है कि वह जब 5वीं कक्षा में थे तब उनके बेस्ट फ्रेंड रामानंद शास्त्री, जो एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, अब्दुल कलाम जी उनके साथ पहली बेंच में बैठा करते। और एक दिन उनके स्कूल में एक नए टीचर आए और एक मुस्लिम को एक ब्राह्मण के साथ देखकर वह चौंक गए। उन दोनों का एक साथ बैठना उनको पसंद नहीं आया और उन्होंने कलाम जी को लास्ट बेंच पर बैठने को कहा। लेकिन क्या उस लास्ट बेंच पर बैठना उन्हें जिंदगी में पीछे छोड़ने वाला था? वेल नहीं, क्योंकि उन्होंने ठान ली कि लास्ट बेंच पर बैठकर वह दुनिया को बदल कर दिखाएगा। और शायद इसी वजह से हमेशा कहते हैं द बेस्ट ब्रेन ऑफ द नेशन मे बी फाउंड ऑन द लास्ट बेंचेस ऑफ द क्लासरूम। और ऐसे ही कई लाइफ लेसन जीते जी ही सिखाकर अब्दुल कलाम ने आने वाले पीढ़ी के लिए छोड़ गए। उनके लाइफ के ये लेसन 2020 तक इंडिया को एक डेवलप कंट्री बनाने का जो सपना था वो आने वाली पीढ़ी कहीं ना कहीं भूल रही है। आप सोच सकते हैं कि एक ऐसे इंसान के पास इतना वेल्थ ऑफ नॉलेज था, उनके लाइफ लेसन को अगर आप भूलोगे तो आप अपनी जिंदगी में कितने पीछे जा रहे हो। उन्होंने क्लास के उस लास्ट बेंच पर बैठकर उन्होंने अपना गोल बनाया, फाइटर पायलट बनने का। यह गोल बना था उनके गुरु के कारण। एक दिन उसके टीचर शिवा सुब्रमण्यम अय्यर उनकी कक्षा को चिड़िया कैसे उड़ती है वो सिखा रहे थे, लेकिन 25 मिनट तक समझाने के बाद भी किसी के पल्ले कुछ न पड़ रहा था। और इस पर अय्यर जी ने एक सिंपल सा सॉल्यूशन निकाला, अगर थ्योरेटिकली अगर कोई ना समझे तो उन्हें प्रैक्टिकली सिखाना पड़ेगा। तो यही था सॉल्यूशन। स्कूल खत्म होने के बाद वो सारे बच्चे को पास के ही एक समुद्र के किनारे ले गए और वहाँ उड़ते हुए पंछियों के लाइव डेमो दिखाकर उन्होंने बच्चों को चिड़ियों की टेल की पोजीशन से लेकर उनके पंखों की शेप तक सब कुछ समझाया। चिड़ियों की वह उड़ान कलाम जी के दिमाग में बैठ गई और उन्होंने तय कर लिया कि वह बड़े होकर वह फाइटर पायलट बनने जैसा बड़ा गोल हासिल करेगा, क्योंकि उनका यह कहना था कि स्मॉल एम इज अ क्राइम हैव अ ग्रेट एम। लेकिन वो अपना सपना पूरा करने में वो हार गए। हुआ यह कि अपने सपने को पूरा करने के लिए 1955 में उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग के फील्ड में एडमिशन ले लिया। अब इंजीनियरिंग थी तो प्रोडक्ट तो मिलेगा ही, तो उन्होंने लो लेवल अटैक एयरक्राफ्ट बनाने का प्रोजेक्ट लिया। लेकिन सबमिशन के दिन जब उन्होंने अपना प्रोजेक्ट सबमिट किया तो प्रोफेसर को उनका मॉडल पसंद नहीं आया। उन्होंने कलाम जी को नया मॉडल बनाने को कहा। अब अगर नया प्रोजेक्ट बनाना हो तो कम से कम एक महीना तो लगेगा ही। ये सोचकर कलाम जी ने प्रोफेसर से एक महीने का समय मांगा। लेकिन क्या आज तक किसी टीचर ने एक महीने का समय दिया है? वैसे ही उनके भी प्रोफेसर ने साफ साफ मना कर दिया और कहा 3 दिन है तुम्हारे पास, सिर्फ 3 दिन, मुझे नया मॉडल बना कर दो वरना अपनी स्कॉलरशिप भूल जाओ। ये सुनते ही कलाम जी के होश उड़ गए। और क्या कम समय में ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना कलाम जी को रोकने वाला था? स्कॉलरशिप छिन जाने के डर से 3 दिन बिना सोए रात दिन मेहनत की कि जब 3 दिन बाद जब उन्होंने मॉडल पेश किए तो उनकी प्रोफेसर चकित रह गए। उनके इस मेहनत पर प्रोफेसर ने उनसे एक बात कही, मुझे पता था 3 दिन में एक नया एयरक्राफ्ट बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन स्कॉलरशिप छिन जाने की जुनून की वजह से तुमने इसे पॉसिबल किया। और इस इंसिडेंट से कलाम जी को एक बात समझ आ गई, टू सक्सीड इन योर मिशन यू मस्ट हैव सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल। आखिर उनकी इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद अपना सपना पूरा करने का एक अवसर उन्हें एक इंटरव्यू के रूप में
में आया जो था इंडियन एयर फोर्सेस ऑफ देहरादून। लेकिन जैसा मैंने कहा, यह सपना अधूरा रह गया क्योंकि इस इंटरव्यू में 25 लोगों में से सिर्फ 8 लोगों को चुना गया। पता है कलाम जी कौन से पोजीशन पर थे? 9th। सिर्फ एक पोजीशन की वजह से उनका सपना सपना ही रह गया। ये इंसिडेंट उनके लिए बहुत बड़ी सीख थी, इसीलिए इस इंसिडेंट को कलाम जी ने अपनी माय जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन इस ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, जिसकी सीख में वो कहते हैं, इट इज ओनली व्हेन वी आर फेस्ड विद फेलियर डू वी आर रियलाइज दैट दीस रिसोर्सेस वेर ऑलवेज देयर विद इन अस, वी ओनली नीड टू फाइंड देम एंड मूव ऑन विद आवर लाइव्स। चाहे वो अपनी निजी उड़ान में पीछे रह गए हों, लेकिन उनके इस मंत्र की वजह से पूरे इंडिया को सक्सेस की उड़ान मिलने वाली थी। इंडियन एयर फोर्सेस में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तब उन्होंने 1958 में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया। DRDO ज्वाइन करने के कुछ ही साल ही उन्हें विक्रम साराभाई जी के इंटरनेशनल कमेटी स्पेस रिसर्च इनको इस्पा में प्रमोट कर दिया, जहां पर उनका पहला मिशन था इंडिया के पहले रॉकेट की उड़ान भरना, क्योंकि उनका मानना था द कंट्री डजंट डिजर्व एनीथिंग लेसर देन सक्सेस फ्रॉम अस। वैसे तो ये रॉकेट केरल के थुम्बा गांव से लॉन्च होने वाला था, लेकिन शुरुआती स्टेज पर होने के कारण इस कुशलताओं के पास न कोई वर्कशॉप था और न ही कोई रिसर्च फैसिलिटीज। इस पर अब्दुल कलाम जी ने कहा, वी शुड नॉट गिव अप एंड वी शुड नॉट अलाउ द प्रॉब्लम टू डिफीट अस। और फिर क्या था, उन्होंने थुम्बा के पुराने चर्च को अपना वर्कशॉप बना लिया, उसी चर्च के बिशप के घर को अपना ऑफिस बना लिया। आखिर में जैसे तैसे करके उन्होंने रॉकेट को पूरी तरह से बना लिया, लेकिन यहां तक उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई। रॉकेट के पास कोई लॉन्च पैडल तक लेके जाने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं था, तो उन्होंने सारे पार्ट्स बैलगाड़ियों और साइकिलों की मदद से लॉन्च पैडल तक पहुंचाया। इतने मुश्किलों के बाद 21 नवंबर 1963 में इस रॉकेट को लॉन्च करके इंडिया ने स्पेस की तरफ अपना पहला कदम रखा। लेकिन जिस इंसिडेंट से APJ अब्दुल कलाम जी का नाम मिसाइल मैन पड़ा, वह एक सक्सेस नहीं था, वह एक फेलियर था। साल 1969 में कलाम जी इसरो में इंडिया के पहले सैटेलाइट प्रोजेक्ट लॉन्च व्हीकल के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे और 10 साल के खून पसीने के मेहनत के बाद उन्होंने इस रॉकेट को खड़ा किया। प्रोजेक्ट के इस समय 1976 में कलाम जी के पिता की मौत हो गई, और फिर भी वो अपने लक्ष्य से भटके नहीं। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को निजी जिंदगी से ऊपर रखा और कंप्लीट किया। लेकिन जब अगस्त 1979 इसे लॉन्च किया गया, तो सेकेंड स्टेज में कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से प्रोजेक्ट बंगाल की खाड़ी में गिरा। अब जब प्रोजेक्ट फेल हो चुका था, तो सारे लोग उन पर सवाल उठाने लगे। तब प्रोफेसर सतीश धवन, जो इस समय इसरो के चेयरमैन थे, उन्होंने इस प्रोजेक्ट का पूरा श्रेय खुद पर ले लिया। उनके इस लीडरशिप की तारीफ करते हुए कलाम जी हमेशा कहते हैं, लीडर मस्ट हैव विजन एंड पैशन एंड नॉट बी अफियर्ड ऑफ एनी प्रॉब्लम्स। इंस्टेड ही सॉल्यूड नाउ ही should know how to defeat it. Most importantly, he must work with integrity. लीडर के इसी सीख को हथेली पर रखकर फेलियर के सिर्फ एक साल बाद ही उन्होंने नए पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 का निर्माण किया। आखिर 18 जुलाई 1980 में उन्होंने SLV-3 से रोहिणी 1 सैटेलाइट को लॉन्च किया, जिसमें से इंडिया सुपर एक्सक्लूसिव क्लब ऑफ स्पेस फेयरिंग नेशंस का 6th मेंबर बन गया। इस प्रोजेक्ट के बाद तो उन्होंने इंडिया के पहले इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि और पृथ्वी जैसे कई प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट किया, जिनकी वजह से उन्हें 1981 में उसे पद्मभूषण और 1990 में पद्म विभूषण इन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। लेकिन जिस काम के लिए उन्हें 1997 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, वो था पोखरण 2। पोखरण 2 एक ऐसा न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्टिंग प्रोग्राम था, जिसे इंडिया ने CIA के सैटेलाइट को चकमा देकर हमारे न्यू न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट किया गया था। इस प्रोग्राम के प्रोजेक्ट चीफ कोऑर्डिनेटर थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने जापान और USA के वार्निंग के बाद भी इस मिशन को चालू रखा, बड़ी चतुराई से पूरा किया। 41 इयर्स तक भारत की सेवा करने के बाद जब 1999 में DRDO से रिटायर हुए, तो रिटायर के 3 साल बाद ही उन्हें भारत का प्रेसिडेंट बनने का प्रपोजल आया। अब ये हुआ कैसे? रिटायर होने के बाद 2001 में कलाम सर अन्ना यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगे।
एक दिन लेक्चर लेने के लिए जब वो यूनिवर्सिटी पहुंचे तो उन्हें कॉल आया, जिस पर उसे कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर आपसे बात करना चाहते हैं। पर ये कॉल कोई मजाक नहीं था, क्योंकि कॉल पर उससे बात करने वाले शख्स थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने कॉल उठाते ही कलाम जी कहा, आपके लिए हमारे पास एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। हमें ऐसा लग कि भारत को आप जैसा राष्ट्रपति की सख्त जरूरत है। और यह बात कलाम सर के लिए एक अविश्वसनीय थी, और इसीलिए इसका जवाब देने के लिए उन्होंने वाजपेयी जी से कहा कि मुझे बस 2 घंटों की मोहलत दीजिए। और उन 2 घंटों में उन्होंने विचार किया इंडिया को 2020 तक डेवलप कंट्री बनाने का। ये सपना वो हमेशा से देख रहे थे, वो सपने को पूरा करने का ये सुनहरा अवसर था। और फिर 2 घंटे बाद जो जवाब दिया, उससे 25 जुलाई 2002 में वो इंडिया के 11वां राष्ट्रपति बन गए। राष्ट्रपति होने के बाद भी उन्होंने अपने टीचिंग के ड्रीम को नहीं छोड़ा। उन्हें जब भी समय मिल जाता वो स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए चले जाते। टीचर्स डे के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, अगर लोग मुझे अच्छे शिक्षक के रूप में याद करते हैं तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा। और जब 27 जुलाई 2015 के दिन जब वो हार्ट अटैक की वजह से गिरे थे, तब भी वो शिलांग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ाने के लिए आए थे। इतना ही नहीं, मरने के बाद उनके अंतिम संस्कार में भी 350,000 से ज्यादा लोग शामिल थे, जिससे पता चलता है कि वो सिर्फ मिसाइल मैन ही नहीं बल्कि पीपल प्रेसिडेंट के रूप में लोगों के दिलों में बसे हैं और हमेशा बसे रहेंगे।